भाई को पढ़ना है, सुनाना है। आइए हजरत आपके चाहत को मैं सलाम करता हूँ और फारूक भाई को मैं माइक पर बुला रहा हूँ, वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। हाँ, वो दो तीन चार पांच से जो है मैं गुजर के पेश करता हूँ और उसके बाद नाज के बाद नातिया कलाम से इस खूबसूरत मुशायरे का इख्तिताम हो जाएगा। अभी अकमल भाई से पहले मेरे बड़े भाई शकील मुबारकपुरी साहब वालदेन के हवाले से बड़ी पाकीज़ा नज़्म आपकी समातों के हवाले उन्होंने किया। पूरी रात शायरी हुई, पूरी रात आपने शायरी सुनी, बहुत से अशार आप तक पहुँचे माँ के हवाले से। मेरा भी जी चाहता है शकील भाई, कन्वीनर आप हैं, डॉक्टर साहब सदर हैं, पुरतुलैन भाई ये अल्ताफ अंसारी साहब के दामाद हैं, इस मुशायरे के निजामत अकमल अदीब साहब कर रहे हैं, और भी दोस्तों का नाम मुझे याद नहीं, वो पर्ची दे दीजिए ताकि नाम लेने के बाद कुछ मेरा फायदा हो जाए। मैं यहाँ से एक मतला और एक शेर माँ के हवाले से पेश करता हूँ लाजा का। अब जिम्मेदारी यहाँ से आखिरी वक्त में बड़े बुजुर्ग भी यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है अपनी दुआओं से नवाजेंगे। हाजिर करता हूँ लाजा का। शमीम भाई माइक बहुत अच्छा चला, आपकी वीडियोग्राफी माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी होती है और एक दो दिन के बाद आप नेट पे भी फौरन आप नहीं शायद जावेद करीम भाई का जवाब नहीं, खुदा की कसम मैं खाऊं तो हानिस नहीं होगा। मैंने मुशायरा मीडिया को देखा जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन जावेद भाई का मैंने जो सफाई वलीपुर की जो मेरी निजामत का जो प्रोग्राम था ऑल इंडिया, उन्होंने जो हवाले से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो पहुंचाया है, मुशायरा मीडिया भी शायद फेल हो सकता है। करीम भाई मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, आपकी सफाई को सलाम करता हूँ। आइए फारूक भाई बहुत खूब बहुत खूब। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। अकमल भाई सुनिए जी साहब। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत इसके बाद मैं नाते पाक पेश करूंगा तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपकी तवज्जो, आपकी दुआएं, तो वो बाद में हो जाएगा, जिसको देना है वो सब दे, मुशायरा कामयाब हो गया, जो लिफाफा बचा रख लीजिए। कि मैंने देखा है सफर में सर्द रात में आपने मुशायरा सुना। मैं ये नहीं चाहता, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ मुशायरे का इख्तिताम। अब यहाँ से मैं नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, अगर किसी पर टोपी या रुमाल हो तो मुझे दे।
मैं नातिब पाक का मसला पेश करता हूँ। तमामी हजरात की दुआएं शकील भाई सुनिएगा। जी साहब, मैं पेश करता हूँ मतलब बतौर खास मिला जाकर। ज़िया मिलती है दुनिया को। क्या बात है फारूक भाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। कुर्तुलैन साहब, उमर कासिम साहब, मोहम्मद शाही साहब, नसीम अहमद गुड्डू साहब, शादाब अफरोज, इश्तियाक अहमद साहब, अताउर रहमान, मास्टर सिराज साहब, राशिद साहब और सरपरस्त हैं मास्टर शमीम साहब और सदर मौसूफ। शमीम भाई कहाँ हैं? बहुत मेहनत की है कसम खुदा की। परवेज सिद्दीकी साहब, मैं यहाँ से नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ। जी खास मिला ज़िया मिलती है दुनिया को। क्या बात है भाई। नबी के रूह में ज़िया मिलती है दुनिया को। ज़िया मिलती है दुनिया को। शकील भाई सुनिएगा। जी इशार से अकमल भाई इशार किस तरह जान लेते थे इधर से आप गुजरे आपके हवाले से पेश करता हूँ, सुनिए। जी साहब वो नोट इधर आने वाला है। नकली किस लिए भाई? देखिए आखिर वक्त में कुछ भी आ जाए, चंद लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन ये कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। मैं पेश करता हूँ। जी पाई है गरीब
एक शेर आखिरी द्वारा, वैसा काम नहीं किया है लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल कह रहा है मेरा कि उस अंदाज में इस शेर को मैं पेश करूं। शकील भाई, आप इस नाते पाक को बहुत सुने होंगे लेकिन आखिरी शेर और उसमें लफ्ज अजान का जो है, मैं चाहता हूं, मैं भी एक महीना मुअज्जिन रहा हूं, वाली साहब के इंतकाल के बाद मैं भी अजान उनकी जगह मैं लिया था, लेकिन ये लापरवाही कह लीजिए या मसरूफियत तो कह नहीं सकता, ये प्रोग्राम का आना जाना दूरी होती गई, ये मेरी बदनसीबी थी। बहरहाल वो शेर पेश करता हूँ, शकील भाई सुनिए। जी इरशाद, किन नमाजों के लिए आओ, क्या बात है भाई, किन नमाजों के लिए आओ, अल्लाह अकबर की सदा जब मौसम लगाता है, वो कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की बड़ी हिम्मत के साथ। सुनिएगा शकील भाई, उस शेर को मैं फिर मैं पेश करूंगा तभी अच्छा लगेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद भाई, ये तो जब शुरू में पढ़ना चाहिए था, इतना उम्दा अशआर, बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने भाई, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। दुनिया को बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर, ये तो नाते पाक खत्म हो गई, अब मुझे उम्मीद है कि अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो दो तीन शेर और पेश कर दो, इजाजत है आपकी, पेश करूं? नहीं है, अभी वक्त है। असल में अकमल भाई, ये थोड़ा सा ये मेरा अपना घर है, ये लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं इनके आंगन का हूँ, घर का, और मेरा भी मन करता है। अब भाई, और इसके हट के भी कहीं प्रोग्राम होता है तो इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन जहाँ मोहब्बत मिलती है वहाँ दिल सही, क्या जिगर भी हम लोग नहीं, यहाँ की पेश कर देते हैं। और यहाँ के सामईन को मैं सलाम करता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, वाकई बहुत उम्दा सामईन मुझे नजर आई। अब यहाँ से शकील भाई एक मतलब दो तीन शेर पेश करता हूँ, बड़े बुजुर्ग मेरे तशरीफ फरमा है, मुलाजा करें। बरस रही है खुदा की रहमत, फरिश्ते गांव में लुटा रहे हैं, सुनो तनवीर, क्योंकि बरस बरस रही है
और बहुत ही प्यारा शेर पूरे डाइज के हवाले से पेश करता हूं लादा करी खेल खत्म बड़े चल गए।